हेलो सभी कॉम्पिटिटर दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अमित कुमार पाल आपके सामने हूँ आज 8वां वीडियो लेकर। और 7वां वीडियो मैंने कल थोड़ा सा रात में लेट नाइट शूट किया था बेटा, इस वजह से हो सकता है उसमें जो शिकायत हो आपकी उजाले वाली, है ना। हालांकि अगर आप उसको देखेंगे कायदे से तो बहुत ही प्यार से दिख रहा है, कोई वैसा इश्यू नहीं है। हाँ, अब उतनी हाईटेक व्यवस्था हमारे पास में नहीं है भाई, जिसमें जगमगाता हुआ सब कुछ हो, है ना, तो वैसा ही कुछ है, लेकिन आपको आराम से समझ में आएगा, ऐसी मेरी कोशिश रही है। ठीक, चलिए आज हम 8वां वीडियो लेकर आपके सामने मौजूद हैं। कल वाली बातचीत जहाँ पे हमने ख़त्म की थी, उस वाले वीडियो में हमने जो नॉर्मल क्वेश्चंस थे वो आपको दिखा दिए थे, करने का तरीका आपको बता दिया था। अल्फा नहीं बना, फिर से बनाया, है ना। तो वह अल्फा बनाने का जो तरीका होता है उसके हिसाब से आप क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे और सॉल्व करेंगे, बड़े आसानी से अपने आंसर्स निकालेंगे। अब इसमें चेंजेस कर करके इन क्वेश्चंस को किस तरह से मॉडिफाई किया गया है, थोड़ा सा देख लीजिए इन चीज़ को, क्योंकि SSC वाले एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और इन क्वेश्चन को करने के तरीके थोड़ा सा बदल जाते हैं, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता है और इसमें डेप्थ बढ़ जाती है। कैसा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कुछ ऐसा है, जैसे ये क्वेश्चन बोला गया है कि एक व्यक्ति कुछ संतरे 60 रुपए में 20 की दर से खरीदता है और उतने ही संतरे 60 रुपए में 30 की दर से खरीदता है। दो बार खरीद रहा है, वैसे क्या होता था, एक ही बार खरीदता था, एक बार बेच देता था, या दो बार खरीद रहा है, 60 रुपए में 30 की दर से खरीद, 60 रुपए में 20 की दर से और 60 रुपए में 30 की दर से, और दोनों को मिलाकर 60 रुपए में 25 की दर से बेचता है। इस व्यापार में उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या है? तो अब इसमें आप ऐसे समझो भाई कि पहली बार अगर हम बात करें तो उसने 60 रुपए में खरीदे 20 और फिर 60 रुपये में खरीदे 30 और फिर बेचे 60 रुपये में 25। अब यहाँ पे तमाम बच्चों के बीच में कन्फ्यूज़न क्या बनता है? कन्फ्यूज़न यार ये बनता है कि देखो, अगर देखा जाए यहाँ पर तो ये क्या है, ये CP1 है पहला कॉस्ट प्राइस, ये क्या है, ये CP2 है, और फिर ये पूरा का पूरा नेट सेलिंग प्राइस है। इसके हिसाब से जब हम कैलकुलेट करना शुरू करते हैं ना, कहाँ गड़बड़ होती है? गड़बड़ बेटा ये होती है कि हम कहते हैं यार 60 और 60, 120 रुपए के उसने 50 खरीदे, 120 रुपए के 50 खरीदे और 60 रुपए में 25 बेचे, मतलब 120 रुपए में 50 बेच दिए, तो कहाँ लाभ कहाँ हानि, यहाँ तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है, है? ये गड़बड़ होती है। इस गड़बड़ को ही हमें सीखना और जानना है और इसी को ख़त्म करना है। इसको कैसे सुधारेंगे आप, इस पे गौर कीजिएगा कि यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि वो एग्जैक्टली 60 रुपये में 20 ही खरीदता है और ये भी नहीं कहा जा रहा है कि एग्जैक्टली 60 रुपये में 30 ही खरीदता है। यहाँ दर बदल जा रही है कि कुछ संतरे, और फिर कह रहा उतने ही संतरे, ये यहाँ पर देखिएगा, जितने संतरे इस जगह पर खरीदे हैं उतने ही संतरे इस जगह पर खरीदे हैं इसने, यानी कि यहाँ पर कहने वाली और सोचने वाली बात ये है कि 60 रुपये में 20 की दर से कुछ संतरे खरीदे, पता नहीं कितने खरीदे, और जितने इस पहले वाली दर से खरीदे हैं उनका, उनकी संख्या और दूसरे वाले की संख्या, ये दोनों नंबर ऑफ आर्टिकल सेम होने चाहिए, यहाँ पर डिफरेंट है। पहली गलती तो ये है, पहली गड़बड़ ये है, इसको पकड़िए। अब अगली बात ये करिए कि पहले चलो हम इनकी संख्या बराबर कर लेते हैं, तो 20 और 30 का एलसीएम 60 है, 20 में 3 का गुणा और 30 में 2 का गुणा इसको 60 पे पहुंचा देगा। बाकी बातें बेटा मैं हटा देता हूँ, थोड़ा सा समझ तो गए आप लोग, 60 रुपये में 25 बेचता है, इसका ध्यान रखिएगा, अभी आगे इसका यूज आएगा। यानी यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं तो CP1 और CP2 के हिसाब से जो CP1 है, पहला कॉस्ट प्राइस जो है CP1, ये हमें इस हिसाब से कितना मिल रहा है देखिएगा, तो क्षेत्र 18 180 रुपये में वो खरीदेगा 60, और जो CP2 है ये कितना हो जाएगा, 6 × 12 120 रुपये में वो खरीदेगा 60। अब यहाँ पर हमको पता चल गया, जितने संतरे पहली बार में उतने ही संतरे दूसरी बार में, इस चीज़ को समझते हुए हम कहेंगे नेट कॉस्ट प्राइस जो है, नेट कॉस्ट प्राइस, नेट CP जो है वो हुआ 300 रुपये में 120 खरीदे। तो सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ था ना, सेलिंग प्राइस बेटा कितना दिया हुआ था, सेलिंग प्राइस दिया हुआ था आपको 60 रुपये में 25 बेचता है। अब वही चाहे अल्फा वाला मेथड लगा ले, अल्फा बनाने का तरीका बताया था ना, ये सही से नहीं बना, फिर पिछले वीडियो की बातचीत है भाई, है? तो यहाँ पर अगर ऐसे करी दो, ऐसे ऐसे वाला सिस्टम आपके सामने है, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना है आपको, तो इसमें जब आप ऐसे करोगे, इसको बनाओगे, तो आपको क्या देखना है, 120 तो 12×72 माइनस 25×75 ले भैया, लॉस हो गया है। और ऑप्शन इतने पापी हैं कि ऑप्शन में आपको ये नो प्रॉफिट नो लॉस, नाइदर गेन नॉर लॉस, 0%, इस तरह का आपको ऑप्शन ज़रूर देंगे, जिस पर सबसे पहले आदमी अच्छा अच्छा हाँ हो तो गया, तो वो चीज़ थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, ध्यान रखिएगा। और फिर उसके बाद में ये करने के बाद में आपको क्या करना है, फिर से ये करना है, यानी 25×75 100
और इतने ही परसेंट का इनटू 100% क्या होगा, लॉस परसेंट होगा ये, क्योंकि आप देख रहे हो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। यानी आपको जो मिला है वो कितना है, 300/7500 × 100, तो 25 × 75 होता है और 25 × 100 होता है, ये 4% का लॉस है। उम्मीद है पूरा सिनेरियो समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस अब एग्जाम्स में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। हम एक दो क्वेश्चन एक तो इसी तरह कर लेंगे, फिर एक क्वेश्चन जिसमें थोड़ा सा चेंज है उस चेंज को समझते हुए देखिएगा, और फिर एक और पैटर्न शुरू करेंगे, ठीक है। इसको रिव्यू कीजिए तब तक। हाँ, ये एक और क्वेश्चन देखिए जरा, ये एक और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ टॉफ़ी 10 रुपये में 11 की दर से खरीदता है और उतनी ही टॉफ़ी 10 रुपये में 9 की दर से खरीदता है। CP1 और CP2 समझ में आ गया, 10 रुपये में 11 और 10 रुपये में 9, 10 रुपये में 11 और 10 रुपये में 9 किधर से खरीदता है। अब ये यहाँ पर देखिए, इसमें क्वेश्चन में फिर मैं बता रहा हूँ, ये नो प्रॉफिट नो लॉस वाला एहसास आपको करा ही देंगे लोग। और फिर उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, उसके बाद में कह रहा है कि दोनों को मिलाकर 1 रुपये प्रति टॉफी की दर से बेच देता है। तो यहाँ पर जब हम इसको जोड़ेंगे तो 10 10 20 और 11 9 20, हम कहेंगे यार 1 रुपये में 1 टॉफी बेच रहा है, 20 रुपये में 20 टॉफी खरीदी है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन नहीं, बात फिर वही आ रही है, जितनी टॉफी 10 रुपये में 11 की दर वाली खरीदता है उतनी ही नंबर ऑफ टॉफीज है ना 10 रुपये में 9 की दर से खरीदता है। तो ये दर आप तब एग्जैक्टली पता कर पाओगे प्रॉफिट या लॉस जब इनकी संख्या आप बराबर करोगे। और संख्या बराबर करने के लिए आपको क्या बताया गया, भाई इसको 9 से और इसको 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी कि इस वाले हिसाब किताब से हमको पता चल रहा है पहले हिसाब से कि 90 रुपये में 99 और इधर 110 रुपये में 99 टॉफी खरीदता है। दोनों को अगर मिलाकर देखोगे तो हम कहेंगे कि 200 रुपये में ये बंदा 198 टॉफियाँ खरीदता है। ये हुआ नेट कॉस्ट प्राइस, नेट कॉस्ट प्राइस अब आपने निकाला दोनों पे, नेट कॉस्ट प्राइस आपको मिला। अब क्या कर रहा है, अब 1 रुपये की 1 की दर से बेच रहा है। अब देखो ना यहाँ पे लॉस आपको साफ साफ दिखाई दे जाएगा। अगर इसमें क्वांटिटी बराबर करने वाली बात है, ये वाला लगाना चाहते हो तो ये लगा देना, या फिर आप इसमें क्वांटिटी बराबर करके देख सकते हो कि 1 रुपये में 1 टॉफी बेच रहा है तो 198 टॉफी वो बेचेगा तो क्या होगा, उसको रुपया कितना मिलेगा, 198 रुपया ही मिलेगा। जेब से लगाया उसने 200, जेब से लगाया है उसने 200 और जेब में वापस आया 198, तो साफ दिखाई दे रहा है कि उसको 2 रुपये का लॉस हुआ है। कितने रुपये पर, 200 रुपये पर। तो इस लॉस का परसेंटेज कितना है, 2/200 × 100, 100%। ये बात आप समझ सकते हो कि उसको 1% का लॉस हुआ है, 2 × 1 = 2, लॉस कितने परसेंट का है, 1% का है, ठीक है। ये मर्जी है आपकी बेटा, आपने बराबर करके देख लिया, जैसा मैंने बराबर करने वाला भी बता रखा है आपको पिछले वीडियो में, कल वाले वीडियो में बराबर करने वाला बता रखा है। लेकिन चलिए आपको उस पे नहीं, आपको दूसरे तरह से करना है। 1% का लॉस आया, ध्यान रखना, यहाँ पर हमने कहा 1 रुपये में सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 1 रुपये में 1 टॉफी बेचता है, ठीक। अल्फा बनाओ, अल्फा बनाओगे तो क्या होगा, 198 × 1 = 198 − 200 × 1 यानी 200 और फिर अपॉन में 200 मल्टीप्लाइड बाई 100%। यहाँ पे आप देख सकते हो नेगेटिव आया, और नेगेटिव आया तो मतलब लॉस परसेंट, तो ये लॉस परसेंट कितने का होगा, 2 माइनस में है, 2/200 × 100 यानी 1%। तो 1% का लॉस आपको फिर से दिख गया। तो जैसे इच्छा हो वैसे क्वेश्चन को आगे बढ़ा लेना, ठीक है। 1% का लॉस है वो आपको दिख गया। एक क्वेश्चन और ले लो जिसमें इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। कैसा चेंज है इसको देखो, बात समझ में आ गई होगी ना ये वाली, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, वो पुराना वाला है, इसमें नए वाले पैटर्न पे कुछ इस तरह के चेंजेस किए गए हैं और ऐसे क्वेश्चन अब ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन और लिया हमने, क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 1 रुपये में 5 की दर से और उतनी ही वस्तुएं 1 रुपये में 4 की दर से खरीदता है, दोनों को मिलाकर 2 रुपये में 9 की दर से बेच देता है। यहाँ तक की तो कहानी सेम है, लेकिन उसके बाद इसने क्या बोला कि इस व्यापार में उसे 3 रुपये की हानि होती है, तो उसके द्वारा खरीदी गई वस्तुओं की संख्या क्या थी। नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपसे पूछ लिया है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट नहीं पूछा। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट ऐसे केस में ज़्यादातर लॉस होता है, वो आप देख रहे हो। यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि इसको लॉस हुआ है, 3 रुपये का हुआ है, तो उसने कितने आर्टिकल्स खरीदे थे। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, बाकी शुरुआत तो वैसी ही है, लैंग्वेज वैसी ही है। देख सकते हो आप लोग कि 1 रुपये में 5 की दर से और उतनी वस्तुएं 1 रुपये में 4 की दर से। क्या करोगे भाई, 1 रुपये में 5, ये क्या है, ये है CP1। CP2 क्या है, 1 रुपये में 4। 1 रुपये में 5 की दर से, 1 रुपये में 4 की दर से खरीदी। अब इसमें जितनी टॉफी
एक जितनी वस्तुएं 1 रुपए में 5 की दर से खरीदी उतनी ही वस्तुएं 1 रुपए में 4 की दर से खरीदी हैं, तो इनको बराबर करने के लिए इधर 4 और इधर 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो CP1 जो हमारे पास में बन रहा है वो CP1 और CP2 ये कितना हो जाएगा भाई, 4 रुपए में 20 टॉफी पहले वाले से और 5 रुपए में 20 टॉफी या 20 वस्तुएं, 20 केले, 20 संतरे जो भी दिया हो वो दूसरे वाले से। तो नेट कॉस्ट प्राइस क्या बना, यहाँ पे देखिए नेट कॉस्ट प्राइस जो आपको बन रहा है वो नेट कॉस्ट प्राइस बेटा कितना बन गया, यहाँ नेट कॉस्ट प्राइस हमको मिल गया 9 रुपए में 40, 9 रुपए में 40 नेट कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस कितना बताया जा रहा है, सेलिंग प्राइस आपको बताया जा रहा है 2 रुपए के 9। सेलिंग प्राइस में आपसे कहा गया कि उसने 2 रुपए में 9 की दर से दोनों को मिलाया, 2 रुपए में 9 की दर से बेच दिया, यानी सेलिंग प्राइस की बात करें हम तो वो है 2 रुपए में 9। अब इस पर जरा गौर करना, यहाँ पर हमको अगर प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना होगा तो कहानी वही है अल्फा वाली, ठीक है, 40 × 80 नॉर्मा 81, तो 80 − 81 लॉस हुआ है 100/81 का, 19 whole number 1/19/81 का, वो एक अलग इश्यू है। यहाँ पे वो कह रहा है कितने आर्टिकल्स, अब आप इसमें देखो फिर से आपको बराबर करना पड़ेगा, उसके लिए इधर 9 और इधर 40 है। कल एक और तरीका दिया था हमने नंबर ऑफ आर्टिकल्स के लिए, ये काम करना था आपको बताया था मैंने, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉस्ट प्राइस आएगा वो आएगा 9 × 81 = 9 × 36 360 आर्टिकल्स खरीदे, और जो सेलिंग प्राइस आएगा वो आएगा 40 × 80 = 4 × 36 360 आर्टिकल बेचे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो कि 360 आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल्स है ना, हमने आपको बताया था CP SP रुपीस क्वांटिटी, तो ये क्वांटिटी है CP SP, फिर ये रुपीस हैं और ये क्वांटिटी है, तो ये क्वांटिटी कितनी आ गई 360। ये 360 जो क्वांटिटी बेटा आप देख रहे हो इसमें आप देख सकते हो कॉस्ट प्राइस 81 था, सेलिंग प्राइस 80, तो 1 रुपये का हानि, 1 रुपये, तो वस्तुएं 360, अब आपसे बताया जरा हानि है 3 रुपये, तो वस्तुएं 360 का 3 गुना यानी 1080 आर्टिकल्स। तो ये कितनी वस्तुएं होंगी, कितने आर्टिकल्स होंगे, 1080 आर्टिकल्स उसने बेचे होंगे, तो जाके इस पूरे सिनेरियो में उसको 3 रुपये का लॉस, 3 रुपये की हानि होगी। उम्मीद है पैटर्न समझ में आया होगा, ठीक है। एक और पैटर्न ले रहे हैं और वो पैटर्न कुछ ऐसे क्वेश्चंस का है जिसमें प्रॉफिट और लॉस जो परसेंटेज होता है उसका, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू हमेशा कॉस्ट प्राइस के बराबर होती है। ऐसे क्वेश्चंस में हम बहुत ही सिंप्लीफाइड चुटकी बजा के या ऑप्शन उठा के, चुटकी बजा के या ऑप्शन उठा के, डिपेंड्स कि आप क्या बजाना चाहते हो, ऑप्शन उठाना चाहते हो या चुटकी बजाना चाहते हो, बहुत ही कम समय में आप अपना आंसर जस्टिफाई कर सकते हो, ठीक है। उस पैटर्न को शुरू करता हूँ, पहले उसको समझेंगे, इसको हटा लेते हैं फिर उसको समझाते हैं। तो बेटा अगला पैटर्न है क्या, है तो मैंने पहले ही बोल दिया कि अगला पैटर्न है क्या, है ना, और उसी को आगे बढ़ाने के लिए, उसी को कोरिलेट करते हुए एक क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिया है, और ये क्वेश्चन है क्या, 24 रुपये में किसी वस्तु को बेचने से होने वाले लाभ अथवा हानि। देखिए या तो लाभ होगा या हानि होगा, अगर क्वेश्चन लाभ का होगा तो भी सोल्यूशन 24 रुपये में बना लेते हैं, और अगर हानि का होगा तो भी सोल्यूशन हम 24 रुपये पर बना लेंगे, 24 रुपये हमने इसीलिए लिया है, और बाकी फिर और क्वेश्चन देखेंगे, इनको झटके में कैसे करते हैं इन चीज़ों को समझिएगा, कि 24 रुपये में किसी वस्तु को बेचने से होने वाले लाभ या हानि की प्रतिशतता संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर है, वस्तु का क्रय मूल्य बताएं, ठीक है। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एट ₹24 द गेन और लॉस, गेन और लॉस हम दोनों की बात कर रहे हैं, द गेन और लॉस ऑकर्ड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल, फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, उसी कॉस्ट प्राइस के बारे में आपसे बात पूछी जा रही है। अब जरा इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं कुछ इस तरह से, समझिएगा इस बात को कि सेलिंग प्राइस अगर किसी भी आर्टिकल की हम बात करते हैं ना 24 रुपये में, तो 24 रुपये होगा क्या, किसी आर्टिकल पर मान लेते हैं कि उस आर्टिकल का, अभी हम पहले प्रॉफिट के बारे में बात करने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, अभी एक झटके में आप इसको करेंगे, पहले इसको समझिए और सीखिए, देखिए कि चीज़ आ कहाँ से रही है। कॉस्ट प्राइस आपने मान लिया ₹X, इसका मतलब है प्रॉफिट परसेंट जो है वो भी ₹X का होगा, ठीक है, और आप ₹X वाले आर्टिकल को ₹X+ X% of X में जब बेचेंगे, X प्लस X% ऑफ X में बेचेंगे, साफ साफ लिख दें,
एक्स रुपए क्या है, कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस से एक्स परसेंट बढ़ाकर यानी प्लस प्रॉफिट कितने का है एक्स परसेंट, यानी इसी एक्स कॉस्ट प्राइस वाले का एक्स परसेंट अगर हम इसमें जोड़ दें तो जो बना वो होगा सेलिंग प्राइस, और वो सेलिंग प्राइस कितना होगा 24 रुपये। हम चाहें तो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मूला छोड़िए क्या करना है यूज़ करके। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर और 100 इंटू एक्स हो गया 100x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 24, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 2400 इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आई, ये है प्रॉफिट वाली बात। अब अगर हम लॉस वाली बातचीत देखें तो क्या होगा, लॉस में अगर देखें तो हम क्या कहेंगे कि अगर हमने कॉस्ट प्राइस माना है एक्स और लॉस परसेंट जो है वो मान लिया एक्स परसेंट का, तो हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा, एक्स में हम कॉस्ट प्राइस होगा उससे कम में बेचोगे ना, माइनस कर देंगे एक्स का एक्स परसेंट, एक्स में हम माइनस करेंगे एक्स का एक्स परसेंट, और इस तरह से ये आर्टिकल बिकेगा कितने में, 24 रुपये में। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 100x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 24, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सब कुछ उधर भेज देंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस 2400 इज इक्वल टू 0। इधर 0 लिखो या उधर 0 लिखो, बात एक ही है। तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपके सामने हैं, दो द्विघात समीकरण आपके सामने आ गए। इन द्विघात समीकरणों को सॉल्व करने के लिए हमने पूरा 9th-10th वाला वीडियो जो बनाते हैं उसमें 10th क्लास में हमने आपको बताया है x स्क्वायर इंटू 2400। तो हमें दो ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू 2400 हो, और वो दोनों प्रोडक्ट्स होंगे कौन से, 120x और 20x। अगर हम एक प्लस का ले लें और एक माइनस का ले लें तो आ गया ना। तो इसी हिसाब से इसको सॉल्व किया तो हमने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 120x माइनस 20x माइनस 2400 इज इक्वल टू 0। सो x कॉमन लोगे तो क्या होगा, x प्लस 120 माइनस का 20 कॉमन ले लोगे तो x प्लस 120 इक्वल्स टू 0, और x प्लस 120 कॉमन लेने के बाद में x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ देखो इसमें आपको साफ तौर पे समझ में आ रहा होगा नेगेटिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि x प्लस 120 इज इक्वल्स टू 0 करोगे तो x इज इक्वल्स टू माइनस का 120 आएगा, ये नहीं हो सकता। x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0 करोगे तो x इज इक्वल्स टू 20, यही हमारा आंसर होगा। ये पूरा तरीका है जो आपको आंसर निकालेगा, ऐसा नहीं है, अभी बहुत ही छोटे से तरीके में आप देख लोगे लेकिन पूरी चीज़ें ज़रा समझ लीजिएगा। यहाँ पे क्या लाना है हमें, तो प्लस का 2400 एक्स स्क्वायर लाना है, और उसके लिए अगर हम माइनस के 60x को माइनस के 40x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये प्लस का 2400 आ जाएगा। अगर x कॉमन लिया आपने भैया तो x माइनस 60 मिला, और माइनस का 40 कॉमन लिया तो आपको भी फिर से x माइनस का 60 मिल जाएगा, और आपने x माइनस 60 जब कॉमन लिया तो आपको x माइनस 40 मिलेगा। माने यहाँ पर दोनों ही आंसर सेटिस्फैक्ट्री हैं, दोनों ही आंसर हमारे आंसर का हिस्सा हो सकते हैं। x माइनस 60 बराबर 0 करोगे तो x बराबर 60 भी हमारा आंसर हो सकता है, और x माइनस 40 बराबर 0 करोगे तो x बराबर 40 भी हमारा आंसर हो सकता है। दोनों ही हमारे आंसर हो सकते हैं, या तो ऑप्शन में इस तरह से करके दिया होगा ऑप्शन ए 60-40, और या फिर दोनों में से कोई एक आइदर 60 और 40 दिया होगा। ठीक है, फालतू चीज़ें दिमाग मत लाइएगा, दोनों दिए हो तो ए में 60 दिया हो, सी में 40 दिया हो, कौन सा लगाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ध्यान रखिएगा कि या तो दोनों एक साथ दिए होते हैं या दोनों में से कोई एक दिया होता है। अब हम बात करते हैं, यार इतना टाइम हमारे पास थोड़ी ना है, हम इतने टाइम में तो पता नहीं कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, इसको क्यों टच करें। इसको आप इसलिए टच करें क्योंकि इसको करने में करना क्या होता है, देखिए प्रॉफिट का केस अगर आपने देखा, प्रॉफिट के केस में बेटा आपको अगर 24 रुपये दिया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हो कितना दिया हुआ है 24 रुपये, है ना। इस 24 रुपये को दो हिस्सों में ब्रेक कर लेना, और वो दो हिस्से कैसे हों कि जिनका डिफरेंस 10 हो, डिफरेंस कितना हो 10, जैसे हमको मालूम है 12 दूनी 24,
तो हमने इसमें क्या किया, डिफरेंस जो है 12 दुनी 24 के हिसाब से। ये ध्यान रखना कि ये 100 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है इसमें, तो ये 100x आपको, ये 100 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये 100x ये वाला आपको ज़रूर मिलेगा। इसकी इससे मतलब नहीं, 100x आपको ज़रूर मिलेगा। और 100x के दो फैक्टर्स ऐसे ही होंगे, 120-20, 110-10, 130-30, 150-50, और बाद वाला आपका आंसर हो रहा है। देख रहे हो ना, 120 और 20 में से आपका आंसर कौन सा हो रहा है, बाद वाला आपका आंसर आ रहा है। इस चीज़ को आपने देखा है अगर, तो इसी चीज़ को समझ लीजिए। हमने क्या करना है, डिफरेंस जो है वो 10 के बराबर हो, और ये जो छोटा वाला टर्म आप देख रहे हो, स्मॉल टर्म जो आप देख रहे हो, इसके आगे 0 लगा देना, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे झटके में अपना आंसर दे देना, ठीक है। अभी क्वेश्चन और उठाते हैं, आपको दिखा देते हैं, सटासट आप अपना आंसर इस तरह से आएगा। लॉस वाले केस में क्या करोगे, लॉस वाला केस जब देखोगे तो दिया हुआ है आपको सेलिंग प्राइस कितना 24। यहाँ पे हम कह रहे थे कि डिफरेंस सम हो प्रॉफिट के केस में, लॉस के केस में ऐसा करना कि सम जो हो, योग जो हो वो 10 हो। और ऐसे दो फैक्टर्स जिसका योग 10 हो, वो दो फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, 6 4 24 और 6 4 10, 12 दूनी 24, 12 और 2 का डिफरेंस 10, 6 4 24, 6 और 4 10, समझ गए। दोनों के आगे 0 0 लगा लो, ये दोनों ही आपके आंसर होंगे। ऑप्शन में या तो ये दोनों दिए होंगे या दोनों में से कोई एक दिया होगा, जो दिया हो उसको टिक कर देना। उम्मीद है बड़े ही आराम से बात आपको समझ में आ गई होगी। फटाफट चलिए एक दो क्वेश्चंस ले लेते हैं, इसको मैं यहीं पर जगह बनाए ले रहा हूँ और यहीं पर हम लोग अपना आंसर जो है वो जस्टिफाई कर लेंगे। जैसे ये 24 रुपये वाले क्वेश्चन की जगह पर कुछ और चीज़ें दी हुई होंगी, है ना, वो क्या क्या हो सकती हैं, बस इतने में हमारे आंसर्स आ जाएंगे। देखिए ज़रा, ये क्वेश्चन लिया हम लोगों ने, ये LD यादव सर की बुक में दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वस्तु को 96 रुपये में बेचा गया, उस पर प्राप्त लाभ प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के बराबर हो, तो वस्तु का लागत मूल्य कितना है, कितना दिया हुआ है 96, और लाभ की बात की गई है, ठीक है। तो 96 के हम दो फैक्टर्स करेंगे जिनका डिफरेंस 10 का हो, 16 6 96, ठीक है, और छोटे वाले के आगे 0, यही हमारा आंसर है, यानी कॉस्ट प्राइस होगा 60 रुपये, हो गया, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लीजिए, बात खत्म कर देते हैं आज की। अगला क्वेश्चन, जैसे ये बोला गया, एक वस्तु, कुमार ने एक वस्तु को 21 रुपये में बेचा, उसको उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य था, तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा 21 रुपये। 21 रुपये को इस बार क्या करना है, लॉस का केस है, उधर अभी भी लिखा हुआ है लॉस का केस है, 21 रुपये लिखा हुआ है, दो फैक्टर्स करोगे जिनका सम होना चाहिए 10 7 3 10, 70 और 30, आंसर है 70 और 30। ऑप्शन चेक करो, दिया है कि नहीं दिया है, बिल्कुल दिया हुआ है डी वाला ऑप्शन, 30 रुपये और 70 रुपये, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल महात्मा गांधी जी की जयंती है, तो एकेडमिक वाला वीडियो तो नहीं बनेगा, लेकिन कंपटीशन वाला वीडियो हम कोशिश करेंगे, एक वीडियो छोटा सही सही लेकिन एक वीडियो आप तक पहुँचे, क्योंकि बीच में काफ़ी गैप हुआ है, तो वो गैप होना ठीक बात नहीं है। अच्छा, एक बात और है, हमारे एक रेगुलर व्यूअर है ICS अजय शुक्ला, उनका जो नाम ID पे लिख के आता है, उन्होंने कंप्लेन की है क्वेश्चन के रिगार्डिंग, और बिल्कुल सही है वो, और इसके लिए हमें अपोलोजाइज करते हैं सभी से। देखिए क्वेश्चन में हुआ क्या है, हमसे गड़बड़ ये हुई है, वो क्वेश्चन क्या था पहले मैं बता दूं आपको, ये क्वेश्चन जो था, इस क्वेश्चन में कहा यह गया था कि एक व्यक्ति एक मेज तथा एक कुर्सी को 500 रुपये में खरीदता है। ये छठे वीडियो की बात है, वीडियो नंबर 6, प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो नंबर 6 है, 19 मिनट 44 सेकंड के आसपास पहुंचेगा, तो 19 मिनट के आसपास पहुंचेंगे तो आपको इस वीडियो में गड़बड़ दिखाई देगी। मेज को 10% हानि पर और कुर्सी को 10% लाभ पर बेचता है, हमने मेज को लाभ पर और कुर्सी को हानि पर कर दिया था। इसका सही सोल्यूशन जो आएगा वो कुछ इस तरह से होगा कि मेज को 10% हानि, यानी मेज की बात अगर की जाए तो मेज 90% पे और कुर्सी जाएगी 110% पे, ठीक है। ये जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के हिसाब से मेज को 10%, कुर्सी को 10% लाभ पर, मेज को 10% हानि पर, कुल 10 रुपये का लाभ होता है, जिसको हमने 500 पे चेक किया था कि ये जो 10 रुपये का लाभ है ये 500 का कितना परसेंट है, जो 10 रुपये का लाभ है ये 500 का कितना परसेंट है, तो आपने चेक कर लिया था इसको कि ये 2% आया था, यानी कि ओवरऑल 102% था। और इस हिसाब से जो गड़बड़ी हुई थी छोटी सी हमसे, 110 में से 102 जाएगा तो 8 मिलेगा, और 102 में से 90 जाएगा तो
12 मिलेगा। यानी कि यहाँ पर अगर हम रेशियो वाइज बात करें तो रेशियो 2:3 का था, जबकि उसमें हमारा 3:2 आया है, जिसके हिसाब से हमने कुर्सी का मूल्य 200 बताया था। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 5 रेशियो टोटल हैं, 500 रुपये कुल लागत है, यानी कुर्सी जो है वो बेटा 200 रुपये की नहीं, कुर्सी जो है वो 300 रुपये की है, और मेज जो है वो मेज 200 रुपये की है। ठीक है, थैंक्स अ लॉट। ऐसे ही आप लोग अगर देखें छोटी मोटी कमियों को, तो उनको पहली बार में तो आप प्रथम दृष्टया ये समझें कि आप किस हिसाब से बुक वहाँ रखी रहती है, टहलते हुए जाना, फिर उसमें पढ़ना, फिर वापस आना, कभी कभार ऐसा हो जाता है। लेकिन जब भी हो, इससे ये पता चलता है कि आप रेगुलर व्यूअर हैं और लगातार बहुत ही ध्यान से वीडियोज़ को देखते हैं। अगर आप एज अ मेंटर मेरे भी बारे में बता सकते हैं कि सर आपने यहाँ पर ये गड़बड़ी कर दी है, तो मुझे बहुत ही खुशी होती है, ये बहुत ही अच्छी बात है, अप्रिशिएबल है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय शुक्ला जी। ठीक है, तो आज की बातचीत यहीं ख़त्म करते हैं, कल मुलाकात करते हैं, कुछ और नए पैटर्न्स देखते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।